नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेंद्र डबस द ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेंद्र डबस। पिछला वीडियो दिखाया मैंने अंजुना बीच का और अब आ पहुंचा हूं मैं बागा बीच पे। तो बागा बीच कैसा है, यहां आप किन होटलों में रुक सकते हो, कहां खाना खा सकते हो और कहां घूम सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए और बने रहिए मेरे साथ। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अंजुना बीच को एक्सप्लोर करने के बाद मैं अब चल पड़ा हूँ बागा बीच की तरफ। तो दोस्तों, बागा बीच अंजुना बीच से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जब आप स्कूटी से या गाड़ी से आते हैं तो आपको जो है 15 से 20 मिनट में आप जो है यहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक रास्ता वो भी है कि आप जो है वो पहाड़ी से ट्रैकिंग करते हुए भी आ सकते हैं, लेकिन आप रोड से आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम लगभग बागा में पहुंच चुके हैं और ये जो लेफ़्ट में गया ये एक डिस्कोथेक है। दोस्तों, यहाँ बागा की जो नाइट लाइफ है वो बड़ी लाजवाब है, बहुत फेमस है ये यहाँ की नाइट लाइफ। तो चलिए आज आपको एक्सप्लोर करवाते हैं बागा बीच। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियोस में देखा कि वहाँ पे टूरिस्ट थोड़ा सा कम था, लेकिन जब आप बागा बीच पे आते हो तो यहाँ जो है बीच आपको बिल्कुल खचाखच भरा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो इंडियन टूरिस्ट है वो बागा, कलंगूट और कैंडोलिम, इन तीनों बीचों पर जो है इंडियन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आता है। और देखा जाए तो बागा बीच भी जो है और दूसरे बीचों की तरह ही बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए दोस्तों, सामने है बागा बीच का जो का साइन और जो ये सामने जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, तो यदि आप जो है अंजुना से आते हैं तो इसी पहाड़ी से होते हुए और जो पीछे पुल गया था उस पुल को पार करके ही आप जो है बागा बीच पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि बागा बीच पर आप कहाँ रुक सकते हैं, तो दोस्तों बागा बीच के आसपास बहुत से हॉस्टल्स हैं, होटलों की भरमार है और रिजॉर्ट्स हैं, तो आपको यहाँ पर रुकने में 1% की भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जो है दोस्तों, यहाँ है ना, आप जो है 500 रुपये से हॉस्टल शुरू हो जाते हैं और लगभग जो है 1000-1200 रुपये का जो आपको एसी कमरा मिल जाएगा। और जो है जो रिजॉर्ट में आप रुकेंगे तो दोस्तों आप जो है 2500-3000-4000-5000 ऊपर जो है कितना भी कीमती आप कमरा ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, खचाखच भरा हुआ बागा बीच इंडियन टूरिस्ट से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो है बागा बीच में क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप जो है दोस्तों यहाँ पर सुबह शाम अपनी जो है घूम सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, इन जो भी बीच के साथ जो शेक हैं आप इन पर जो है रेस्ट कर सकते हैं, समुद्र में नहा सकते हैं और यहाँ पर आप कर सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पैरासेलिंग होती है, वाटर स्कूटर होता है यहाँ पे, बनाना राइड होती है और भी दूसरे कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स जो है आप यहाँ बागा बीच पर कर सकते हो। क्योंकि गोवा में सबसे ज़्यादा जो वाटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं दोस्तों, वो यहीं पे बागा पे, कलंगूट पे और कैंडोलिम पे किए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों पिछले 2 साल पहले यानी कि कोरोना आने से पहले भी मैं यहाँ पर आया था और मैंने जो है बागा, कलंगूट और कैंडोलिम जो है पिछली बार भी एक्सप्लोर किए थे, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और जो है एडिटिंग भी थी अच्छी नहीं थी। तो कोशिश करूँगा अब की बार ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देने की और दिखाने की कि भाई आप बागा पे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये तीनों बीच, ये बागा, कलंगूट और कैंडोलिम, ये तीनों जो है इंटरलिंक है। आप यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक आप जा सकते हैं और यहाँ यदि आप रुकना चाहते हैं अपना इंडियंस के साथ तो आप रुकेंगे इन तीनों बीचों पर। और यदि आप चाहते हैं कि भाई नहीं, थोड़ा शांति चाहिए, फॉरेनर टूरिस्ट चाहिए,
तो आप जो है मोरजिम, मांद्रिम, आश्विम और आरंबोल की तरफ जाएंगे। तो चलिए दिखाता हूँ आपको बागा बीच। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि सबसे पहले आप बागा बीच पर कैसे पहुँचेंगे, तो आप जो है दोनों माध्यमों से, यानी कि आप रेल से भी और जो है हवाई जहाज़ से भी बागा बीच पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों रेलवे का जो सबसे निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो थिवी में ही है, और थिवीम रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर दूर है। और आप जो है थिवीम से पहले आएंगे मापुसा, और मापुसा से आप आएंगे कलंगूट या बागा पे। तो दोस्तों आप जो है आसानी से पहुँच सकते हैं। और यदि आप जो है बाई एयर आते हैं तो यहाँ से जो डोबोलिम का जो एयरपोर्ट है वो है लगभग 41 किलोमीटर दूर, तो आप वहाँ से सीधे टैक्सी लेके आप यहाँ बागा बीच पहुँच सकते हैं। तो ये जो पीछे जो यहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं दोस्तों, बीच रिजॉर्ट्स हैं, ये जो है थोड़े से महंगे हैं, लेकिन यहाँ के मोस्ट फेमस रिजॉर्ट्स में से एक हैं। तो दोस्तों यदि आप जो है बागा बीच के आसपास कहीं पे घूमना चाहें, तो जो कैंडोलिम बीच से जो है उस तरफ है अगोडा फोर्ट, आप अगोडा फोर्ट देख सकते हैं। नीचे वहाँ अगोडा के वहीं जो है जेल है वो देख सकते हैं। सिंक्यूरियम जो बीच है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों जो अगला वीडियो होगा कलंगूट बीच का, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि यदि आप जो है इन बीचों के अलावा भी जो है आप गोवा में क्या क्या और देख सकते हैं। बीच तो यहाँ के लाजवाब हैं ही, लेकिन यहाँ के जो मंदिर हैं दोस्तों, और जो पणजी में जो मांडवी नदी है उसमें जो क्रूज खड़े हैं, जो और जो कैसीनो के जो क्रूज खड़े हैं, आप उनमें भी जो है अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो वहाँ पे एक जो रिवर क्रूज़ है वो आपको एक घंटे के लिए जो है नदी में घुमा के लाता है दोस्तों, उसमें जो है 500 रुपये की जो है टिकट लगती है। और जो कैसीना वाले जो क्रूज़ खड़े हैं दोस्तों, उसमें जो है लगभग 2200-2300 रुपये जो है लेते हैं, उसमें डिनर इंक्लूड होता है, आप जो है वहाँ जो है कैसीनो में खेल सकते हैं। तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा आपको खेलने की, लेकिन आप जो है उसका जो है आनंद उठा सकते हैं, आप वहाँ डिनर कर सकते हैं। तो देखिए बागा बीच कितना लाजवाब है, जो यहाँ का जो नज़ारा होता है दोस्तों रात का वो भी जो है लाजवाब होता है। तो आप भी बागा बीच के आनंद उठाइए, और बागा बीच का जो सनसेट है दोस्तों वो तो जो है लाजवाब है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ बागा बीच में मोस्ट हैपनिंग प्लेस, यानी कि टिटोज लेन पर। दोस्तों ये गली है जिसमें जो है बहुत सारे कैफे हैं, डिस्को हैं, बार हैं, और देखिए ये है वो गली। पिछली बार जो मैंने सीरीज़ बनाई थी दोस्तों, तो इस गली को आपको दिन में और रात में दोनों जो है समय मैंने दिखाया था, लेकिन क्वालिटी कुछ अच्छी ना होने के कारण जो है मुझे ही खुद मज़ा नहीं आया। लेकिन अब की बार कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा पाएँ। तो दोस्तों अभी जो है मैं अपना स्कूटर लेके इस गली में जो है आपको जो है दिखा रहा हूँ कि जो है यहाँ पर जो है काफ़ी जो है नाइट लाइफ जो बागा की, वो यहाँ जो है बागा बीच की शान है, जान है। और यही वो गली है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है नाइट लाइफ लोग इंजॉय करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी जो गली में है टिटोज, मैम्बो और दूसरे जो जितने भी अच्छे और फेमस जो नाइट क्लब्स हैं, बार हैं, पब हैं, डिस्को हैं, वे सारे के सारे इसी गली में हैं दोस्तों। और यहाँ इस गली में भी जो है आप आसपास होटल ले सकते हैं, सस्ते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं यहाँ पे। पिछली बार मैंने इसी गली से जो है एक अंदर गली जा रही थी, और एंजेलिना बीच रिजोर्ट के नाम से वो होटल था, तो लगभग 1250 रुपये में मुझे जो है वो एसी रूम मिल गया था, जो कोरोना से पहले की बात है। दोस्तों ये है टिटोज, और इससे आगे आता है मैम्बो, और फिर जो है इसके आगे फिर हम जो है बीच पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों क्योंकि मेरी स्कूटी वहां पे खड़ी थी, इसलिए मैं स्कूटी से यहां पे आया। अगर मैं चाहता तो पैदल भी जो है इस गली को एक्सप्लोर कर सकता था। तो आप भी जो है यहां बागा के आसपास जो है पैदल ही जो है घूमेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जो है स्कूटी तब लेने की ज़रूरत होगी जब आप जो है दूसरे अन्य बीचों पर घूमेंगे, या जो है आप दूसरी जो जगह है उनको एक्सप्लोर करेंगे।
दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप जो है यहाँ से बागा बीच से जो पूरा दूसरा जो गोवा है यानी कि साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ से बसें चलती हैं दोस्तों, और उन बसों में जो है 300 रुपये की टिकट होती है, लगभग पूरा दिन लग जाता है। एक दिन जो है आप नॉर्थ गोवा घूम सकते हैं, दूसरे दिन आप साउथ गोवा में जो फेमस बीच हैं उन पर आप घूम सकते हैं, लेकिन यदि आप इंडिविजुअल भी घूमना चाहें तो आप जा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों गोवा में जाके लोग जो है टैटू बनवाते हैं, जो है स्पा का मज़ा लेते हैं, और यहाँ जो बीच पर जो दोस्तों मसाज का मज़ा लेते हैं, तो आप जो है फुल्ली इंजॉय करेंगे गोवा में आके। तो आप भी जो है इंजॉय कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको आगे। तो दोस्तों ये थी टिटोज़ वाली गली, और यहाँ पर जो है देखिए ये है पंजाबी जो है रोटी, पंजाबी रेस्टोरेंट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा खाना है, मैंने बहुत बार इस पे खाया है। तो यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट्स हैं, बार है, पब है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जो है क्राउड जो है चाहते हैं, नाइट लाइफ चाहते हैं, तो आप जो है बागा पर रुक सकते हैं और बागा के आसपास जो है आप बागा पर रहकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो जो है यहाँ पे जो है नहीं रुका था, इसीलिए मैं आपको जो है नाइट लाइफ जो है यहाँ की कैसी होती है वो जो है पिक्चर्स से और जो दूसरे वीडियोस हैं किसी और के, तो उनसे जो है दिखाने की कोशिश करूँगा कि नाइट लाइफ यहाँ पे कैसी है और यहाँ कौन कौन से जो फेमस जो नाइट क्लब्स हैं। तो ये देखिए और आप भी जो है मज़ा लीजिए, और यदि आप यहाँ रुकते हैं तो आप इन सभी फेमस जो है नाइट क्लब्स में जा सकते हैं और जो है अपने टूर का जो है मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है और ऐसा लगता है कि ये आपके काम का है, तो दोस्तों इसको जो है शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अंत में।
तो दोस्तों ये मेरे वीडियोस नहीं है, मैं इनका क्रेडिट जो है गूगल को देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये गूगल से लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, कलंगूट को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।